नमस्कार दोस्तों आज आप लोगों के साथ मैं एक ईस्ट फेसिंग हाउस प्लान के बारे में डिस्कस करूंगा इसको हम लोग रेडी करेंगे एंड उसके बाद आप लोगों से डिस्कशन चालू करेंगे कैसे हम लोग इसको रेडी करेंगे वो पहले जान लेंगे कि एक हाउस प्लान को कैसे हम लोग इसको रेडी कर सकते हैं तो दोस्तों कुछ इस तरीके का हम लोग पहले वॉल वगैरह प्रोवाइड करेंगे एंड इसके बाद हम लोग सारा कुछ मेज़र करेंगे ठीक है दोस्तों ओनली ट्वेंटी सेवन फिट बाई थर्टी फिट का एक हाउस मॉडल आज आप लोगों को दिखाऊंगा ये बेसिकली नॉट टू स्केल में होगा दोस्तों क्योंकि यहाँ पे मेज़रमेंट तो मैं आपको दूंगा बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि आ, आपको प्रॉपर मेज़रमेंट ये प्लान को देख के समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये विदाउट स्केल में हम लोग कर रहे हैं बट आपको बेसिक आइडिया आ जाएगा कि हम लोगों को कहाँ पे क्या चीज़ मिल रहा है एंड कितना साइज़ का मिल रहा है ठीक है तो देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे अभी वाल बना रहे हैं दो रूम हम लोग के पास आ गया इसके बाद आपको यहाँ पे एक छोटा सा एंट्री मिलेगा देन पूजा रूम भी हम लोगों को मिलेगा एक एस पर वास्तु के हिसाब से ही हम लोग इसको रेडी करेंगे प्रॉपर तरीके से हम लोग इसको सजाएंगे एंड बहुत ही अच्छा लुक निकल के आ जाएगा दोस्तों एंड प्लान भी ज़्यादा बड़ा नहीं है तो आप देख सकते हैं मैं बहुत ही जल्दी इसको ख़त्म करने ही वाला हूँ ठीक है दोस्तों कुछ इस तरीके का नाउ अभी यहाँ पे हम लोग स्टीयर प्रोवाइड करेंगे कुछ इस तरीके का देखिए दोस्तों स्टीयर यहाँ पे है एंड स्टीयर जो हम लोग यहाँ पे डालेंगे डबल एल शेप में स्टीयर देखने को मिलेगा एंड स्टीयर साइज भी आप लोगों से मैं शेयर करूंगा साइज क्या क्या होने वाला है दोस्तों इसको मैं ऐसे ही यहां पे मेजर कर देता हूं देखिए बहुत ही जल्दी हो जाएगा ठीक है ना आसान भी रहेगा देखिए ये हो गया हम लोग के पास टिप्स एंड ये हो गया कुछ इस तरीके का नाउ हम लोग अभी कटआउट देंगे डोर प्रोवाइड करेंगे ठीक है दोस्तों डोर कुछ इस तरीके का यहाँ पे होने वाला है एक डोर ठीक है इसके बाद ये हो गया हम लोग के पास मेन डोर यहाँ से ठीक है यहाँ से हम लोग के पास मेन डोर रहेगा एंड ये जो है यहाँ पे हम लोग के पास दो स्टेप रहेगा ताकि हम लोग चढ़ सके ऊपर इसके बाद यहाँ पे हम लोग को एक एंट्री मिलेगा देन टॉयलेट में एंट्री यहाँ से मिलेगा देन एक एंट्री यहाँ से भी मिलेगा दोस्तों तो कंप्लीट हम लोग डिजाइन रेडी कर चुके हैं एंड इसके बाद देख लीजिएगा दोस्तों ये जो टोटल प्लान है मैं आपको कितना बताया ट्वेंटी सेवन फिट बाई थर्टी फिट ओके ये जो है ये ईस्ट फेसिंग प्लॉट है ठीक है एंड दोस्तों मेन एंट्री पॉइंट हम लोग देख लेंगे ये रहा हम लोग के पास पोर्च ठीक है ये हो गया पोर्च इसके बाद यहां पे आपको मिल रहा है ड्राइंग एरिया ओके यहां पे हम लोग के पास मिल रहा है किचन एंड यहां पे दो बेडरूम यहाँ पे एक एंड और एक यहां पे एंड यहां पे मिल रहा है हम लोग को टॉयलेट कम बाथ ओके okay, एंड इसके बाद देख लीजिएगा हम लोग क्या करेंगे विंडो प्रोवाइड करेंगे ठीक है मैं अच्छी तरीके से सजाने के बाद आप लोगों को दिखाऊंगा कि बहुत ही अच्छा डिज़ाइन एक बार आ जाए तो आप लोग भी कहेंगे कि हाँ हा, डिज़ाइन तो बहुत ही बढ़िया हम लोग के पास मिला है तो एक विंडो हम लोग यहाँ पे देंगे एक छोटा वेंटिलेशन यहाँ पे देंगे एक विंडो हम लोग इस पोजिशन पर देंगे एंड यहाँ पर एक विंडो प्रोवाइड करेंगे दोस्तों ठीक है, फ्रंट पे एक विंडो यहाँ पे रहेगा एंड दोस्तों यहाँ पे एक विंडो रहेगा ठीक है मेन एंट्री यहां पे रहेगा तो ये जो है यहाँ पे ये डॉटेड लाइन हम लोग कर रहे हैं इसको ये टोटल डॉटेड लाइन रहेगा ताकि यहां से हम लोग एंट्री कर पाए एंड दोस्तों पूजा रूम यहाँ पे हम लोग के पास मिलेगा ठीक है तो आई थिंक आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ में आया होगा चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड दोस्तों यहाँ पे भी छोटा सा हम लोग एक विंडो प्रोवाइड करेंगे पूजा रूम में ठीक है पूजा रूम में विंडो देंगे आगे बढ़ते हैं दोस्तों मेन एंट्री हम लोग करेंगे यहाँ से ईस्ट फेसिंग प्लॉट है तो ईस्ट फेसिंग से हम लोग एंटर करेंगे पोर्च छोटा सा पोर्च मिलेगा दोस्तों ट्वेल्व फिट सिक्स इंची मिल रहा है एंड यहाँ पे हम लोग के पास सिक्स फीट मिल रहा है यहाँ पे एक टू व्हीलर आप आराम से पार्क कर सकते हैं ठीक है टू व्हीलर नाउ घर का जो मेन एंट्री रहेगा दोस्तों यहाँ से ये यह जो डोर है ये फोर फीट का डोर रहेगा हम लोग इसको प्लिंथ लेवल को हाई किए हैं दोस्तों प्लिंथ लेवल जो है यहाँ पे एट्टीन इंची हाई है ग्राउंड लेवल से ओके okay, नाउ घर के अंदर घुसते ही हम लोग के पास एक बिग साइज़ का ड्राइंग एरिया मिल रहा है इलेवन फिट सिक्स इंची बाई टोटल यहाँ तक जो एंट्री यहाँ तक जो मेज़रमेंट है यहाँ से यहाँ तक का ये मेज़रमेंट सेवेंटीन फिट मिल रहा है ठीक है स्टेयर का भी अलग से हम लोग मेज़रमेंट बोलेंगे ठीक है उससे पहले साउथ ईस्ट कॉर्नर पे हम लोग को एक किचन मिल रहा है जो कि एट फिट बाई एट फिट मिल रहा है प्रॉपर वेंटिलेशंस के साथ वेंटिलेशंस यहाँ पे विंडो मिल रहा है थ्री फिट का एंड ड्राइंग एरिया में हम लोग एक विंडो मिलेगा फाइव फिट का ठीक है इसके बाद हम लोग देख लेंगे यहाँ पे डबल एल शेप में स्टेयर मिल रहा है ऐसे करके हम लोग अप करेंगे फर्स्ट फ्लोर में चढ़ेंगे ठीक है टोटल जो ये लेंथ देख रहे हैं ना स्टेयर का ये थ्री फीट सिक्स इंची आपको मिल जाएगा एंड ये जो ट्रेड है दोस्तों ये टेन इंची का हम लोग ट्रेड प्रोवाइड करेंगे ओके दोस्तों पूजा रूम का सेक्शन आप देख रहे हैं पूजा रूम यहाँ पे हम लोग को सिक्स फीट मिलेगा एंड इधर फोर फीट सिक्स इंची मिलेगा दोस्तों यहाँ पे थ्री फीट का हम लोग एक विंडो प्रोवाइड करेंगे ठीक है एंड नाउ फर्स्ट बेडरूम देख लेते हैं दोस्तों टेन फिट सिक्स इंची बाई इलेवन फिट सिक्स इंची हम लोग को मिलेगा एक बेडरूम जिसका डोर रहेगा दोस्तों थ्री फिट का एंड विंडो रहेगा फाइव फिट का ठीक है एक कॉमन टॉयलेट का बात रहेगा जो कि आपके गेस्ट के लिए होगा कॉमन टॉयलेट कम बात फाइव फिट बाई सेवन फिट सिक्स इंची का ये कॉमन टॉयलेट का बात रहेगा वेंटिलेशन okay? टू फीट का रहेगा ओके एंड डोर जो रहेगा ढाई फीट का एंड दोस्तों यहाँ पे और एक बेडरूम जो है नाइन फीट सिक्स इंची बाई इलेवेन फीट सिक्स इंची का यहाँ पे और एक बेडरूम रहेगा एंड डोर जो है ये थ्री फीट का रहेगा दोस्तों एंड यहाँ पे डबल एल शेप में जो स्टीयर प्रोवाइड किया गया है दोस्तों स्टीयर सेक्शन इसके नीचे ही आप यहाँ पे डाइनिंग एरिया प्रोवाइड कर सकते हैं एंड यहाँ पे जो विंडो प्रोवाइड किया गया है फोर फीट का दिया गया है विंडो ठीक है दोस्तों इसका हम लोग कॉलम पोजिशन देख लेंगे दोस्तों कहा -कहा पे हम लोग दे सकते हैं कॉलम पोजिशन ठीक है तो हम लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट सिक्सटीन पीस कलम प्रोवाइड करेंगे ठीक है सिक्सटीन पीस कलम प्रोवाइड करेंगे ठीक है दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ना इसका कॉस्टिंग कितना आने वाला है मैं आप लोगों को थोड़ा आइडिया दे देता हूँ दोस्तों ऑलमोस्ट इसका कॉस्टिंग टेन टू फिफ्टीन लैक्स आ जाएगा ठीक है कॉलम जो साइज रहेगा दोस्तों टेन इंची बाई ट्वेल्व इंची का हम लोग कॉलम प्रोवाइड करेंगे एंड दोस्तों वॉल देख रहे हैं आउटर वॉल एंड इनर वॉल दोनों ही हम लोग सिक्स इंची प्रोवाइड करेंगे ठीक है यो ग्रीन कलर का जो भी आप देख रहे हैं आउटर वॉल इनर वॉल दोनों ही सिक्स इंची हम लोग प्रोवाइड करेंगे ठीक है एंड दोस्तों ये प्लान अगर आपको पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए एंड ऐसे ही प्यार देते रहिए दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों थैंक यू वेरी मच जय हिंद वंदे मातरम